नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इंडियन टेलीविजन जगत का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का 14वां सीजन दस्तक दे चुका है, लेकिन इतने सालों बाद भी लोगों की उत्सुकता इस शो को लेकर बरकरार है। शनिवार रात ठीक रात 9 बजे बिग बॉस 14 की ग्रैंड ओपनिंग यानी प्रीमियर शुरू हुआ। शो के होस्ट सलमान खान ने थॉर के हथौड़े के साथ शो में एंट्री ली और इसी हथौड़े से साल 2020 पर दमदार वार किया। वहीं रविवार को पहले दिन ही घर के अंदर हंगामों की शुरुआत हो गई। आइए आपको बताते हैं कि कैसा रहा बिग बॉस 14 में पहले दिन घर के अंदर का हाल। बिग बॉस 14 के घर में पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। पहले दिन सभी फ्रेशर्स और सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान के साथ नजर आए। घर में पहले दिन बिग बॉस नए सदस्यों और पुराने प्रतिभागियों को नियम बताते हैं। रिजेक्ट हुए कंटेस्टेंट गार्डन एरिया में रहेंगे। बिग बॉस बताते हैं सभी फ्रेशर्स अगले 2 हफ्तों तक टू बी कंफर्म जोन में रहेंगे। इसके बाद बिग बॉस गौहर खान को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और रूल बुक देकर कहते हैं कि वो बाहर जाकर नए सदस्यों को पढ़कर सुनाए। गौहर खान बाहर आकर सभी को रूल बुक पढ़कर सुनाती हैं, जिसमें किचन गौहर खान के हवाले किया गया। किचन से जुड़े सभी फैसले वही करेंगी। बेडरूम पर सिद्धार्थ शुक्ला का राज होगा और यहाँ के सभी निर्णय वही करेंगे। बीबी मॉल स्पा जिम हिना खान की देखरेख में रहेगा। इन सब की इजाजत फ्रेशर्स को हिना खान से लेनी पड़ेगी। घर में राधे माँ की एंट्री होती है और सभी घर वाले उनका स्वागत करते हैं। राधे माँ सभी सदस्यों से कहती हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ भगवान से भी ऊपर है। राधे माँ ने जाने से पहले जान कुमार सानू और सिद्धार्थ शुक्ला को अपना आशीर्वाद दिया। घर वालों ने राधे माँ के जयकारे लगाए। तो बिग बॉस 14 शुरू हो गया है और हमने